बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ शेख मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वो साइप्रस के हवाले से है। साइप्रस की एक नई अपडेट है, कुछ सवाल हैं उनके जो आप आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों बार बार मुझसे यही सवाल किया जाता है वीज़े ओपन है वीज़े बंद है, दोबारा कब ओपन होंगे, तुम्हारा कब बंद होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि वीज़े ओपन हैं मगर किस कैटेगरी में ओपन है वो आप अपनी पहले कैटेगरी देखें, फिर उसके बाद आप फैसला करें कि आपकी कैटेगरी के वीज़े ओपन है या बंद है। सबसे पहली बात यह है कि अभी जो फरवरी में वीज़े ओपन हुए हैं दोबारा, फिर जलजले की वजह से 10 से 15 दिन के लिए फिर बंद हो गए थे, तो फिर दोबारा ओपन हो गए हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ वो वीज़े लग रहे हैं जिन एजेंटों की अंदर अपनी डायरेक्ट सेटिंग है। आई मैं सही तरीके से आपको बता रहा हूँ, जिनकी अंदर अपनी डायरेक्ट सेटिंग है या जो बंदे जिनके पास हुनर है, जिस हुनर की वहाँ पे डिमांड है, ठीक है, उनके वीज़े मिल रहे हैं जो लेबर कैटेगरी में, ठीक है। हर बंदा मुझसे पीता लेबर कैटेगरी में भाई वीज़े नहीं ओपन है। मिसाल के तौर पर आपने होटल में काम करना है, आपने किसी फैक्ट्री में काम करना, लेबर से यही मुराद, या आप ड्राइवर हो, ठीक है, ड्राइवर के भी बहुत कम चांस होते हैं, साइप्रस में बहुत कम वीज़े मिलते हैं, ठीक है, या आप किसी भी कोई भी जो है खेती बाड़ी का काम हो गया या मिस्त्रियों के साथ मजदूरी हो गई, किसी भी लेबर कैटेगरी में मैं कह रहा हूँ वो वीज़े बंद हैं भाई, ओपन नहीं है। अगर आपने किसी को पैसे दिए हुए हैं तो वो आपको यही कहेगा कि वीज़े बंद हैं, मगर जो वीज़े ओपन है वो सिर्फ और सिर्फ वो ओपन है जो हुनर वाले बंदे हैं। मिसाल के तौर पर जो इलेक्ट्रिशियन है, जो प्लम्बर है, जो मार्बल टाइल का काम कर सकते हैं, जो वेल्डर हैं, ठीक है, जो गाड़ियों का डेंटिंग पेंटिंग करते हैं, ये वाले जो रंग का काम करते हैं, ये हुनर वाले जो सही उस्ताद जिसको बोलते हैं, ठीक है, आम नहीं सिर्फ के आप थोड़ा काम कर लेते हो कहते हैं हम उस्ताद हैं, वो वाले नहीं, सही और जेन्युइन उस्ताद हैं, ठीक है, वो वाले वीज़े ओपन हैं और वो वीज़े जमा भी हो रहे हैं और वीज़े मिल भी रहे हैं, ठीक है। मगर जो लेबर कैटेगरी में, आप अपनी कैटेगरी खुद देख लें, वो वीज़े अभी ओपन नहीं है। तो काइंडली ये मैं आपको आज फाइनल इसलिए बार बार, हर बंदा मुझे पूछा जी वीज़े ओपन है वीज़े बंद है, तो इसलिए जिनकी ये कैटेगरी है उनके लिए वीज़े बंद है और जिनकी ये कैटेगरी है हुनर वाली उनके वीज़े ओपन है, और जो जेन्युइन बंदा काम करने वाला है, इस जैसे पहले साइप्रस के आज 10 महीने तकरीबन दिसंबर से पहले पहले या नवंबर अक्टूबर से पहले जिस तरीके से साइप्रस का काम हो रहा था उस तरीके से काम बिल्कुल ओपन नहीं है, बिल्कुल खुला काम नहीं हो रहा है, ठीक है, 50% काम हो रहा है, वो भी वो बंदे काम कर रहे हैं जिनका जेन्युइन सही अंदर सेटिंग है या जेन्युइन जो डायरेक्ट तुर्कों से वीजे ले रहे हैं वो वाले, जो आगे सब एजेंट हैं एक से लेके 100 से 100 से 200 यूरो अपना रखते हैं उनके लिए इश्यू बना हुआ है, मगर जो जेन्युइन बंदे काम करने वाले हैं 50% वीजे ओपन है और काम हो रहा है भाई, ठीक है, एक चीज। दूसरे नंबर ये है कि जिनके जमा हैं वो कब निकलेंगे, तो देखें जब जमा हो जाते हैं तकरीबन आपकी जो बैंक फीस जमा होती है जो वो जब जमा हो जाती है तो किसी का 10 दिन बाद, किसी का 20 दिन बाद, किसी का 1 माह के बाद, किसी का 40 दिन के बाद वीज़ा निकल आता है, ठीक है, जब आपके पास बैंक फीस जो तमीनात कहते हैं साइप्रस जबान में तुर्की में, अगर वो निकल आती है तो समझे आपका 99% वीज़ा ओके है, ठीक है, अगर आपकी फ़ीस जमा हो जाती है। तो ये जो बात है ना कि वीज़े बंद है या ओपन है, ये इंशाल्लाह मैंने आपको बता दिया और आई होप आपको ये बात समझ भी आ गई होगी कि वीज़े ओपन हैं और इस कैटेगरी के ओपन है और इस कैटेगरी के बंद है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, अगर आपको पसंद आती है तो मेरा चैनल लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना। दोबारा इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।